अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। इस वक्त अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है बहुत जोरों शोर से। यहां पे अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे अपना प्रचार कर रहे हैं। तो यहां हम घूमते हुए देखे कि यहां कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ हमारे कैंडिडेट भी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं कि ये किन मुद्दों को लेकर के अपना जो है इस मैदान पर उतरे हैं, इनसे बात करते हैं और सारे चीज ए टू जेड इन्हीं से इनके अल्फाज में जानते हैं। सबसे पहले सर आप हैं? जी मैं ही हूँ। मेरा तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। और आप सर किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। दायरे उस साइड बनाओ, इधर आजाद यूनिवर्सिटी में आजाद तरीके से आया हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं यहाँ पे सियासत करने नहीं आया हूँ। मैं अपने जैसा कि मैं इसी मेंबर का कैंडिडेट हूँ लैंग्वेज डिपार्टमेंट से, और लैंग्वेज डिपार्टमेंट में बहुत सारी कमियाँ हैं और उसको दूर करना है और उसको काफी उरूज पे लेके जाना है, इसलिए मैं इसी मेंबर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं एक मिनट, आपको डर नहीं लगता है कि आप अकेले मैदान पर उतर गए हैं? नहीं डर नहीं लगता, डर मुझे सिर्फ अल्लाह से लगता है और किसी से डर नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है। सर ये बताइए कि आप अपने दम पे अकेले क्यों खड़े हो गए? आपको इतनी सारी पार्टियां इस यूनिवर्सिटी में, कोई पार्टी अच्छी नहीं लगी? नहीं मुझे कोई पार्टी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सियासत करने नहीं आया हूँ, न मेरा सियासत करने का कोई प्लान है। मैं इस मैदान में इसलिए उतरा हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। बहुत सारी पार्टियां अपने कैंडिडेट को खड़ा की और जीती, लेकिन उन्होंने उस कमियों को दूर नहीं किया, इसलिए अब मैं आया हूं और मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं सोचता हूं मैं जहां तक कोशिश करूंगा अपने डिपार्टमेंट को काफी तरक्की पे लेके जाऊंगा। काफी पद क्या है सर? मेरा पद इसी मेंबर का। इसी मेंबर का जी। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं लैंग्वेज डिपार्टमेंट से। लैंग्वेज डिपार्टमेंट से हैं। तो मतलब आप लैंग्वेज डिपार्टमेंट की खामियों को देखते हुए आपके अंदर ये जज्बा आया कि हम कुछ करें, क्योंकि जो हमारे यहाँ दूसरी पार्टियां हैं वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या आपको? जी ऐसा बिल्कुल लग रहा है, और मैं हम लोग इस बात को देख भी चुके हैं पिछले मरतबा पार्टी से जिता करके, उससे पहले भी पार्टी वाले यहाँ जीते लेकिन कुछ बदलाव नहीं किया। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लमों को दूर करना है, इसलिए अब की बार इंशाल्लाह मैं सारी कमियों को दूर करूंगा और अपनी बातों पे खड़ा उतरूंगा, जो भी हमारा वादा रहेगा। इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच आप अकेले अपने दम पर खड़े हो गए, तो आपको पूरा भरोसा है कि हम जीत जाएंगे? जी जी पूरा भरोसा है। तो आप अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स से, जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं, जिनके लिए आपका आपके अंदर दर्द है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे मुद्दे को उठाएंगे, भरोसा उनको किस तरह से दिलाएंगे? देखिए जो हमारे हमारे साथी जो जिनके जो दर्द है, सबसे पहले उनके दर्दों को दूर करूंगा, उनको भरोसा दिलाऊंगा कि हमें एक बार मौका दीजिए और इंशाअल्लाह ताला सारी कमियों को दूर करूंगा। बहुत सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे वर्ल्ड अरबिक डे था और हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे अच्छे तहरीरें लिखी, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख के और बहुत सारे कुछ काम किए, लेकिन वो सारी उनकी जो मेहनत थी वो सिर्फ उसी चार दीवारी के अंदर तक ही महदूद रह गई, बाहर नहीं निकली। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी सीनियर्स या जूनियर जो हमारे साथी हैं, जो कुछ भी करें अगर वो अच्छा है तो मैं उसको लोगों के सामने नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के सामने अखबारों में शाया कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं ऐसे मेंबर हूं और जहां तक मेरी पहुंच नहीं रहेगी तो मैं वहां पे हमारे जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आएंगे, हम उनका सपोर्ट लेंगे, उनसे मदद मांगेंगे कि आप हमारे डिपार्टमेंट को आगे कीजिए, क्योंकि हमारी आगे तक पहुंच नहीं है। तो मैं आपका सपोर्ट लेकर के अपने डिपार्टमेंट को बहुत आगे लेके जाऊंगा। कितने साल से मानो में है सर? मेरा दो साल। दो साल जी। तो सर यहाँ से एक बात पता चली है कि ये दो साल से हैं, इनको यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में काफी तजुर्बा रहा होगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जब किसी पार्टी की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए, इन्होंने किसी को नहीं देखा, तो इनके अंदर जज्बा जागा, इन्होंने चाहा कि मैं खुद अपने बल पर इस यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा और कुछ काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए अपने दम पर ये खुद उतर आए हैं मैदान में। अभी देखना बाकी है कि ये अपने भरोसे पे क्या खड़े उतरेंगे कि नहीं, क्या ये जीत पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ और कुछ आसपास हमारे पास कुछ पब्लिक है, इनसे भी कुछ जान लेते हैं कि क्या इनके ऊपर कुछ भरोसा है कि ये काम करेंगे। जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था, हम लोग लैंग्वेज बिल्डिंग से ही हैं और उसी से स्कूल ऑफ लैंग्वेज। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अबू सुफियान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक से हूँ।
तो इससे पहले स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जो इसी मेंबर का इलेक्शन हुआ तो उसे कैंडिडेट आए और उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद फिर मतलब अपना चेहरा भी हमारे सामने नहीं रखा, बहुत सारी हमारी जरूरतें थी उसको नहीं पूरा किया। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इन्होंने देखा कि इलेक्शन से पहले बहुत लोग आए, पार्टी के लोग आए और अपने अपने भाषण देकर चले गए। मतलब इनके सामने यही हुआ कि झूठे वादे किए गए लेकिन उन वादों को पूरा अभी तक नहीं किया गया, यही आप देख रहे हैं क्या सर? इससे पहले वाले इलेक्शन में यही चीज हुई, इस वजह से इस बार हम लोगों ने खुद अपना एक इरादा बनाया कि हम लोग खुद से इलेक्शन में उतरेंगे और उसके लिए हम लोगों ने फैसल भाई को चेहरा लिया और उनके सारे हम अपने अपने इश्यूज को आगे रखने की कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों के भी प्रॉब्लम्स को इसमें जो लैंग्वेज बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग खुद ही। तो ये थे हमारे साथ लैंग्वेज डिपार्टमेंट के कैंडिडेट जो अपने जो अपना जज्बा है उन जज्बे के साथ इस मैदान में उतरे हैं। तो बस आप देखते रहिए कि यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चलती रही है, हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। इस वक्त आप देख रहे थे, सुन रहे थे दबी आवाज। अगर आपको ये आवाज अच्छी लगी तो बुलंद कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।